बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट आपके सामने हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोना कॉस्मेटोलॉजिस्ट आज आपके लिए एक ऐसा हेयर पैक लेके आई हूँ जो कि हमारे हेयर के मेलनिन पे वर्क करेगा। ग्रे हेयर किसी भी वजह से हो, चाहे वो हेरिडेटरी हो, चाहे वो लॉन्ग टाइम से हम कोई दवाइयाँ ले रहे होते हैं ना जैसे लंबे टाइम से, तभी हमारे ग्रे हेयर हो जाते हैं, या हम स्ट्रेस लेते हैं, या हमें कोई कोल्ड वगैरह होता है लॉन्ग टाइम से, या हमने केमिकल ट्रीटमेंट अपने बाल में बार बार कराया होता है, तो हमारे हेयर जल्दी ग्रे जाते हैं। और आजकल तो पॉल्यूशन और डाइट ऐसी है कि बच्चों के भी बाल ग्रे हो रहे हैं। तो जब भी हमारे हेयर ग्रे होना शुरू होते हैं तो उसका रीज़न क्या है, यानी हमारे स्कैल्प पे मेलानिन का बनना कम हो गया या बंद हो गया। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे हेयर को ब्लैक कलर देता है। आज जो मैं पैक बता रही हूँ ये हमारे बालों के मेलानिन पे वर्क करेगा, जिससे हमारे बाल परमानेंटली ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे अगर हमारी एज थोड़ी कम हो तो। डे बाय डे जैसे ही हम इसे यूज़ करते चले जाएंगे हमारे बाल फर्स्ट टाइम में ही काले होंगे, प्लस हमारे बालों की हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। और जिनके बालों की लेंथ बढ़ती नहीं है ना, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें हिना। हिना मैंने इसमें एक ही चम्मच लिया है क्योंकि मेरे बाल अभी इतने ग्रे नहीं थे, उस पर हल्का सा हिना कलर चढ़ा हुआ था। अगर आपके बाल बिल्कुल इस टाइम ग्रे हो रखे हैं, हिना कलर हट चुका है, तो आप हिना की क्वांटिटी को थोड़ा सा डबल कर सकते हैं। हिना के रिजल्ट से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। मेरे चैनल पर हिना की बहुत सारी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कीजिए। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं इसमें ले रही हूँ इंडिगो पाउडर। मैंने 1 स्पून ली है। आप अगर आपके हेयर ज़्यादा ग्रे हैं तो आप उसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। इंडिगो पाउडर जो भी लें प्योर लें, इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी चेक कीजिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि हम अपने बाल पे कुछ भी ना लगाएं और अगर खाली एलोवेरा जेल ही लगा लेना तो हमारे बाल 2 महीने के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एलोवेरा जेल को मैंने छील लिया है, काट लिया है और उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसके जूस को हमें इसमें ऐड करना है, तो इसके भी आप 1 से लेकर 2 स्पून तक ऐड कर सकते हैं। मैंने लिया है हिबिस्कस की लीव्स और करी लीव्स। करी लीव्स और हिबिस्कस की लीव्स हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसकी हमने टी बना ली है। मैंने पैन में 1 गिलास पानी रखा, थोड़ा सा बॉयल होने पर मैंने इन दोनों लीव्स को धो लिया। धोने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको स्लो सेक पे बॉयल करना है, ठीक है। बॉयल करते हुए 5 से 7 मिनट हो जाए तो पानी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का पानी हो जाएगा, हमें यही चाहिए। इस पॉइंट पे हमें गैस को कर देना है बंद। थोड़ा सा ठंडा करके हमें इस पानी से इस पैक को घोलना है। ये हमारा बहुत ही अच्छा पैक बनकर तैयार हुआ है और जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है मैं इसको लगातार यूज़ कर रही हूँ। इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, वो आपके सामने है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले हमारे बाल धुले हुए होने चाहिए और बालों में पार्टिंग करते हुए हमें अपनी जड़ों पे फोकस करना है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में ही मेलानिन प्रोड्यूस होता है और हमें मेलानिन पे ही वर्क करना है, तो हमें अपनी स्कैल्प पे ही इस पैक को लगाना है। तो पूरी स्कैल्प पे मैंने लगा दिया, मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड अच्छे से लगा दिया। मैंने ग्लव्स पहन के लगाया है क्योंकि मैं ग्लव्स के साथ ही कम्फर्टेबल फील करती हूँ। अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम इस पैक को 3 घंटे के लिए छोड़ा, अदरवाइज मैं हमेशा इंडिगो को 1 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं 2 स्टेप एप्लीकेशन मोस्टली करती हूँ। 2 स्टेप एप्लीकेशन क्या है इसके रिगार्डिंग मेरी डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। 3 घंटे बाद मैंने अपने बालों को धो लिया। अब हमें क्या क्या नहीं करना मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हमें अपने बालों में शैम्पू नहीं करना, हमने इसको प्लेन पानी से धो लिया, अब हमें शैम्पू नहीं करना, कोई कंडीशनर नहीं लगाना, कोई सिरम नहीं लगाना। और अगर आपको थोड़े से अपने बाल ड्राई फील होते हैं तो आप सिर्फ एंड्स पे नीचे हेयर पे हल्का सा कंडीशनर लगा सकते हैं, रूट्स पे कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो आपके हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये कलर भी नहीं आएगा। अगर हमने आज लगाया 3 घंटे के लिए इसको, प्लेन पानी से धो लिया, धोने के बाद नेक्स्ट डे बालों में ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे हमें अपने बालों में शैम्पू करना है। शैम्पू भी बहुत हार्श केमिकल वाला यूज़ नहीं करना। तो आप मेरे बालों पर रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, कितने ब्लैक हेयर मेरे हुए। 1 टाइम का रिजल्ट है ये, और इसको यूज़ कैसे कैसे करना है अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें इसे वीकली यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट मंथ हम इसे मंथ में 2 बार यूज़ करेंगे,
और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बाल जल्दी से फिर वाइट नहीं होंगे, वो ब्लैक ही रहेंगे, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है तो मुझे पूरा इसका एक्सपीरियंस है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप इसको वैसे वैसे ही यूज़ करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा यकीन है कि आपको ये पैक पसंद आएगा और आप इसका पॉजिटिव फीडबैक मुझे देंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोज डालती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।